हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 एमसीक्यूज के बारे में। और ये 20 एमसीक्यूज हैं जो कि आपको विद इन 3 से 4 सेकंड में आपको इसके आंसर बताना है। और आप इसके बाद हम लोग आगे की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप लोग इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप नंबर से ज़रूर ले लीजिएगा, जिसमें सारे आंसर्स भी लिखे हुए हैं। तो देखिए, जो प्रीवियस वीडियोस डाले जा चुके हैं जनरल अवेयरनेस से, इंग्लिश से रिलेटेड हैं, और जो एग्ज़ाम रिपीटेड थ्रू नेम से हैं उनके भी वीडियोस डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में। तो आप जा कर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जनरल अवेयरनेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आप उसे पा सकते हैं। और पीडीएफ भी मैंने सेंड किया हुआ है, तो उसे भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आज के जो सेशन है, आज का जो सेशन है, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं केवल 20 एमसीक्यूज के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय तीरंदाज कोमालिका बारी ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व क्रेडिट वर्क के फाइनल में किस देश की सोनोदा वाका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो केवल 2 से 3 सेकंड ही मैं देना चाहूंगी, ज्यादा नहीं देना चाहूंगी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जापान। जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने रोजर फेडरर के खिलाफ पहला सेट जीतने में कामयाबी हासिल की है? बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो आंसर होगा सुमित नागल, सुमित नागल। अगला प्रश्न देखिए, रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को सरप्लस फंड और डिविडेंड के रूप में कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से इनको फटाफट से इनके आंसर देखिए। 1.9, बिल्कुल जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ज़्यादा टाइम बिल्कुल मत लीजिएगा, 4 सेकेंड बहुत होगा, 4 सेकेंड इसका आपके को समय देना पर्याप्त होगा। तो तीसरा है, तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1,76,00,000 करोड़ रुपए। अगला देखिए, केरल राज्य के ऑलराउंडर जलस सक्सेना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6,000 रन बनाने और जितने कितने विकेट लेने वाले ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जो भारतीय जो राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं खेले हैं? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 300 विकेट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, केरल राज्य में ऑलराउंडर जलस सक्सेना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6,000 रन और 6,000 रन बनाए हैं और 300 विकेट लिए हैं, ऑप्शन डी। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जालान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की हर कितने साल में समीक्षा करने की सिफारिश की है? तो बताइए 10, 7, 8, 5, कौन सा ऑप्शन सही होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 साल, 5 ईयर। अगला देखिए, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मास्को में भारतीय दूतावास में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सही आंसर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी या मदन मोहन मालवीय। तो सही आंसर बताइए इसका, 4 से 5 सेकेंड, ज़्यादा समय बिल्कुल मत लीजिए। करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल सही है। अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने जून 2020 तक देश से शांति सैनिक को वापस बुलाए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध किया है? तो अल्जीरिया, सूडान, तुर्की, म्यांमार, कौन सा ऑप्शन सही होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूडान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, कोई इसमें चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है, फ्री है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 नवंबर वार्षिक वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 3 महीना बढ़ाकर कितने तारीख तक कर दिया गया है? 30 नवंबर। अगला प्रश्न है,
वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेजी से 50 विकेट लेने वाले किस देश के स्पिनर अजंता मेंडिस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंग्लैंड। तो हमारा इसका आंसर सही होता है ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किस देश ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। तो सही आंसर होगा इसका पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11। किस राज्य ने हाल ही में सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है? चार ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। तो हमारा इसका आंसर सही होता है ऑप्शन ए, केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर नियुक्त किया गया है? अरुण लाल, सचिन तंवर, राजीव गौबा या विवेक बंसल। तो सही आंसर होगा इसका राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व वित्त मंत्री का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया है, काफी चर्चा में रहे हैं? तो आप सभी ने पता होगा, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। बिल्कुल, ऑप्शन बी, पी चिदंबरम। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कहाँ पर भूमिगत बंकर म्यूजियम का उद्घाटन किया है? मुंबई, दिल्ली, मैसूर या पटना। तो सही आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में किस राज्य से राज्यसभा सदस्यता, जो राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने राज्य में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाया है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कुछ कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवार के लिए पारिवारिक आय की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? 12,000, 13,000, 14,000 या 15,000। तो सही आंसर होगा इसका 15,000, 15,000। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? बिहार, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात। तो करेक्ट आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19। उमराव जान, बाजार, कभी कभी जैसी फिल्मों के लिए गीतों की धुन बनाने वाले संगीतकार का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद जहूर खयाम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। फर्नीचर का कारोबार करने वाली स्वीडन की प्रमुख कंपनी आइकिया ने हाल ही में भारत में किस स्थान पर ऑनलाइन स्टोर खोला है? रांची, मुंबई, भोपाल या कोलकाता। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। तो फ्रेंड्स, ये 20 क्वेश्चन थे आपके, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के एमसीक्यू हैं। तो आप इन्हें ज़रूर रट लीजिएगा और इसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहाँ से आप उसको ज़रूर डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी इन जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उनके लिए आपको बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।